एक्साइटेड। आपको भी होना चाहिए। याद है पोको का F1 फ्लैगशिप किलर फोन था भाई, कहा जा रहा है कि ये उसका रियल सक्सेसर है। फोन का नाम है पोको F5 5G। इसके फीचर्स इतने तगड़े हैं आपको हिला देगा। 120 हर्ट्ज AMOLED स्नैपड्रैगन 700 सीरीज का मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर एंड OIS कैमरा सब है इस फोन में। लेकिन जिस तरह कुछ बातें हमारे दिल में होती है, वैसे जो ये स्पेक्स है ये ऑन पेपर है, लेकिन असली पता तो टेस्ट करके ही पता चलता है। और आपको तो पता है टेस्ट करने में हमें बड़ा मजा आता है। फटाफट से बॉक्स खोल लेते हैं। यहाँ पोको F5, इधर भी पोको F5। हैप्पी बर्थडे। चलो भाई खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ। ओके पोको, यहाँ पर है हमारा ये ऊह यंत्र और ये पोको F5 की जन्म कुंडली। ओके ये TPU केस। हो डिजाइन लुक्स डिफरेंट। हाँ भाई फोन चमक रहा अलग ही। बाकी बॉक्स में देखते हैं क्या है। ये चार्जर है और ये टाइप सी केबल है। और अगर मैं इसकी लेंथ चेक करूँ, ओ हो 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 हो, मजबूती चेक करते हैं। मजबूत है केबल। पोको F5 का फर्स्ट लुक, वाव सीरियसली, स्पेशली फ्रंट से ये कितना ब्यूटीफुल लगता है। डिस्प्ले पे अभी आते हैं, पहले मैं इसके बैक डिजाइन के बारे में बात करना चाहूंगा। ओके तो ये पॉलीकार्बोनेट बैक है ग्लॉसी फिनिश के साथ। इस पर ये जो वेरिएंट है ये स्नो स्टॉर्म व्हाइट है। बैक डिजाइन देखने में बढ़िया लगता है, सही में स्टॉर्म दिख रहा है यार ये देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे फ्लैट फ्रेम है तो भाई फोन ऐसे खड़ा तो हो जाना चाहिए। ओह क्या बात है, तालिया। मतलब देखो ऐसे फोन कहीं पे भी रखे, आपको टिकटॉक बनाना है। थिकनेस है, फोन स्लिम है, अगर आप हाथ पे लेते हो ग्रिप अच्छी देता है, स्लिम फील होता है। और एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा इस फोन में इंप्रेस किया और वो इसका डिस्प्ले। सीरियसली इसका जो डिस्प्ले है लुक है फ्रंट का ब्यूटीफुल है। बेजल्स देखो यार ऊपर साइड में, इवन एट द चिन साइड बेजल्स है। ये 2.2 मिलीमीटर है बस, देखोगे तो आपको बहुत ही पतले बेजल्स मिलेंगे। इसका जो डिस्प्ले है ये एक 6.67 इंच का FHD प्लस 120 हर्ट्ज AMOLED पैनल है। और सच बताऊं भाई डिस्प्ले देखने में बहुत ही प्यारा है। अगर मैं सेटिंग में जाता हूँ, ये मैं सेटिंग में गया और रिफ्रेश रेट चेक करता हूँ। ओके यहाँ पे आपको डिफॉल्ट ऑप्शन मिल जाता है और ये कस्टम है। और कस्टम में आपको रिफ्रेश रेट में 60 हर्ट्ज और एक 120 हर्ट्ज का ऑप्शन मिल जाता है। ओके यहाँ पर आप कंट्रोल भी कर सकते हो। ये एक अडैप्टिव रिफ्रेश रेट है जो 30 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक चला जाता है। एक बार 120 हर्ट्ज टेस्ट करते हैं, ये देखो। ओहो क्या बात है, बहुत ही स्मूथ है यार। इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 एक बार गिरा के देखते हैं। ओ भाई क्या बात है, कुछ नहीं हुआ भाई। ये जो डिस्प्ले है ये एक 12 बिट डिस्प्ले है। जनरली अभी तक आपने फोन में 10 बिट डिस्प्ले देखा होगा, बट जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन आ रहा है, ये एक इकलौता स्मार्टफोन है जिसमें आपको 12 बिट AMOLED डिस्प्ले मिलती है। आपको 68.7 बिलियन कलर्स मिलते हैं। ये देखो क्वालिटी में जाते हैं। ओके तो HDR सपोर्ट है इसमें और 2160p पे वीडियो देख सकते हो। लेकिन 360p वालों आप क्या जानो 2160p HDR पे वीडियो देखने का मजा। Emotional, damn it. 93.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। AMOLED है तो आपको डीप ब्लैक मिलते हैं। डॉल्बी विजन इसमें HDR 10 प्लस है। एंड सबसे बड़ी बात गाइस, देखने में इसमें मजा आ जाएगा। इसके अलावा 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है, PWM डिमिंग है, 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। एक बार ब्राइटनेस चेक कर लेते हैं। ये मैंने लोएस्ट कर दिया और लोएस्ट पे भी भाई विजिबल है। ये 50% कर दिया एंड 50% पे क्लियरली विजिबल है, देख सकते हो। और एक बार 100% कर देता हूँ और 100% पे ये देखो बहुत ही ब्राइट है। फिजिकल ओवरव्यू देखते हैं। ये सिम स्लॉट डुअल सिम स्लॉट है, कोई SD कार्ड सपोर्ट नहीं है। अच्छा ये माइक है, इसमें जो स्पीकर की साउंड क्वालिटी है स्टीरियो हो बहुत ही लाउड है, क्लियर है। राइट हैंड साइड में आपको ये वॉल्यूम बटन मिलता है, ये पावर बटन है, फील अच्छी है, टेक्टाइल है। और यही फिंगरप्रिंट स्कैनर है। ये फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपके सामने टेस्ट कर लेते हैं। ये देखो ये मैंने ऑन किया, ये देखो टच करते हैं अनलॉक हो जाता है। ये देखो मैंने ऑन कर दिया और मैंने टच करा अनलॉक। और ये ऊपर IR ब्लास्टर है, नॉइस कैंसिलेशन है और यहाँ पर भी एक स्पीकर है। और ओहो 3.5mm का गड्ढा है, दिल खुश हो जाता है। कैमरा भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि इसमें OIS कैमरा है। ये जो कैमरा देख रहे हो आप ये मेन कैमरा है, 64 मेगापिक्सल OIS कैमरा है। और ये जो दूसरा कैमरा है ये 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, ये 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा चल है। और ये फ्रंट में 16 मेगापिक्सल है। चलो टेस्ट करते हैं, पता लगाते हैं कैसा है कैमरा। एक आयरन मैन की फोटो लेते हैं पोर्ट्रेट मोड में, ये नॉर्मल 1x। इसमें एक आपको 2x लॉसलेस जूम मिलता है, ये देखो। और अगर ये नॉर्मल मोड को देखो तो भाई डिटेल्स अच्छे हैं, कलर्स भी अच्छे दे देता है। ये देखो 2x लॉसलेस जूम और ये 2x में भी भाई सही है, देखो डिटेल्स बड़ी मस्त है। और एक ये फोटो देखो, इंडोर लाइटिंग कंडीशन है पोर्ट्रेट मोड से। और ये देखो जूम करने पे भाई स्किन टोन बहुत ही बढ़िया है, नेचुरल है, कोई सैचुरेटेड नहीं है, व्हाइट बैलेंस काफी अच्छा है। इवन अगर हम जूम करके देखते हैं तो देखो एजेस भी काफी अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है। और ये कुछ आउटर लाइटिंग कंडीशन के फोटोज है, आप देख सकते हो जो फोटोज निकल के आते हैं, जो 64 मेगापिक्सल का OIS कैमरा है, बहुत अच्छे फोटोज लेता है, डिटेल्स के साथ लेता है।
डायनेमिक रेंज का जो फोटोज है वो भी अच्छी है। 2 मेगापिक्सल का जो मैक्रो कैमरा है काफी शार्प डिटेल्स निकालता है, और जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स बेटर हो सकती थी। एंड कुछ लो लाइट के फोटोज भी लिए हैं, लो लाइट में फोटोज बहुत बढ़िया निकल के आते हैं। एक सेल्फी ले लेते हैं यार, ये देखो, और भाई इसमें चेहरा कितना क्लियर दिख रहा है यार, क्या बात है। और एक पोर्ट्रेट, ओके, स्किन में काफी गोरा कर दिया मुझे इसे। एजेस देखो, फोटोज में बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है। ज्यादा जूम करता है हल्का सा नॉइज दिख जाएगा, बट स्किन टोन ये मुझे प्यारा लग रहा है। ये देखो यार, बैकग्राउंड में डेप्थ काफी बढ़िया दे देता है ये। कैमरा फीचर्स में आपको प्रो मोड है, डॉक्यूमेंट है, वीडियो है, और ये स्टडी वीडियो मोड मिल जाता है। यहाँ पे जाते हो देखो, फिल्टर्स मिल जाते हैं आपको बहुत सारे, फोटो है, पोर्ट्रेट मोड है, और एक ये मोड पे जाते हो 64 मेगापिक्सल मोड है, शॉर्ट वीडियो मोड है, और ये पैनोरामा है, व्लॉग मोड है, स्लो मोशन है, टाइम लैप्स है। और अगर हम वीडियो में देखते हैं, वीडियो में आपको 720p, 1080p और 1080p 60fps और 4K 30fps पे सपोर्ट है। और फ्रंट में अगर आप देखते हो तो फ्रंट में आपको 1080p 60fps पे है, मैक्रो मोड है, मूवी फ्रेम मोड है। ओके, तो ऐसा आप सिनेमैटिक मूवी शूट कर सकते हो। ये देखो भाई, ये चीज मस्त लगी, ये देखो शटर में कोई लैग नहीं है, ये देखो क्या बात है। आई नो आप किस चीज का वेट कर रहे हो। इसमें स्नैपड्रैगन 700 सीरीज का फास्टेस्ट प्रोसेसर दे रखा है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 2। और इस प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है वो सेम है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 के जैसा। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये प्रोसेसर कितना पावरफुल है। इसमें मैंने एंटीटू रन करके देखा, स्कोर 9,28,000 प्लस निकल के आया है। सीपीयू और जीपीयू स्कोर देखो, तो जो स्कोर है वो क्लोज टू 1 million है। इसके थर्मल्स भी कंट्रोल है, ये देखो पूरा ग्रीन ग्राफ है, टोटल परसेंटेज 90% निकल के आया है। इससे पता चलता है कि ये जो प्रोसेसर है कितना पावरफुल है और कितना वेल ऑप्टिमाइज है। कि दोस्तों आपको पता, असली पता गेम खेल के ही पता चलता है। ओके, तो इसमें गेमिंग के लिए गेम टर्बो भी है। ओहो, यहाँ पर ये देखो गेम टर्बो मोड है, बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पर वॉइस चेंजर है, टाइमर है, क्या बात है। यहाँ से आप दूसरे ऐप को भी यूज कर सकते हो। अगर हम ग्राफिक्स चेक करते हैं, ये हम ग्राफिक्स पे गए, स्मूथ ऑप्शन है, बैलेंस है, HD है, HDR तक कर सकते हो। ओहो, अल्ट्रा HD भी है, अल्ट्रा HD पे अल्ट्रा ऑप्शन है, स्मूथ पे आपको एक्सट्रीम ऑप्शन मिलता है। भाई डिस्प्ले कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये देखो, जो बेजल से बहुत ही कम है। पीरो गेम प्ले दिखा दे मनोज सारू, ये देखो दोनों को लपेट दूंगा। अरे कोई लैग नहीं है, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं है, मक्खन गेम प्ले है भाई, स्मूथ गेम प्ले कर सकते हो। ये देखो, ओ भाई, ओ पीरो मनोज सारू दो को लपेट दिए। और एक और चीज, इसमें हाइपर बूस्ट गेमिंग भी है, 60fps पे ये आपको गेमिंग दे रहा है। ये देखो, हाई सेटिंग्स पे गेम खेलते हो, जो हीट है बहुत अच्छे से कंट्रोल्ड है, क्योंकि हीट को कंट्रोल करने के लिए इसमें आपको वेपर चैम्बर दे रखा है और 14 ग्रेफाइट लेयर है। हाई सेटिंग्स पे आप गेम खेल सकते हो, स्मूथ गेमिंग है, मक्खन चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आया। एंड सच बताऊं, गेम खेल के इस फोन में मजा आया। ये जो मेरे पास वेरिएंट है, इसमें 12GB रैम है और 256GB स्टोरेज है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, रीड राइट स्पीड आप देख सकते हो, मल्टी टच इसमें, ओके 8 मल्टी टच है। सारे ऐप्स मैं क्लोज कर देता हूँ, ये प्ले स्टोर मैंने ओपन किया, ओके फास्ट है, ये कैश है, ये कैमरा भाई बहुत ही फास्ट है, क्रोम ये देखो, ये भाई कुछ खुले ना खुले ये फास्ट खुलना चाहिए, क्रोम म्यूजिक है देखो, और गेम सेंटर है, तो मल्टीटास्किंग तो भाई एकदम स्मूथ है। बैटरी के लिए पोको ने इसमें 5000 mAh की बैटरी यूज की है, और ये 67 वॉट का टर्बो चार्जर है, और ये जो चार्जर है 45 मिनट में फोन को 100% यानी कि फुली चार्ज कर देगा। MIUI 14 है इसमें, और ये Android 13 पे बेस, इसमें MIUI डायलर है, अपटू 7GB तक एक्सटेंडेड रैम है। बाकी अगर हम UI चेक करते हैं, ये देखो, तो भाई UI में आपको ये ब्लॉटवेयर आपको मिल जाते हैं, ये जैसे मिल जाते हैं, इसे अनइंस्टॉल करके देखते हैं। अच्छा, अनइंस्टॉल हो जाता है। एंड अगर हम यहाँ सर्च पे जाते हैं, ये देखो, यस आपको UI में ऐड मिल जाते हैं भाई इस फोन में। और सॉफ्टवेयर अपडेट में आपको इसमें 2 years का एंड्रॉइड अपडेट और 3 years का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे इस फोन के साथ। बाकी इसके अलावा IP53 स्प्लैश प्रूफ है, 12 5G बैंड सेट। इसका हैप्टिक भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ये देखो, अगर मैं कुछ टाइप करता हूं भाई वाइब्रेशन फील होती है और अच्छे से फील होती है यार। इसकी जो प्राइसिंग है फिलहाल मुझे पता नहीं है, लॉन्च से पहले शूट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी प्राइसिंग, चेक कर लेना। और अगर मैं फोन की बात करूँ, जितना भी आप लोगों के सामने मैंने टेस्ट किया है, फर्स्ट इंप्रेशन में ब्यूटीफुल डिस्प्ले भाई, सच बताऊं इस फोन का जो डिस्प्ले है भाई नेक्स्ट लेवल है। बाकी 64 मेगापिक्सल वाला जो OIS कैमरा है वो भी मुझे अच्छा लगा, स्पेशली आउटडोर के जो फोटोज निकल के आते हैं बहुत अच्छे निकल के आते हैं। सबसे बेस्ट जो चीज लगी वो है इसकी परफॉर्मेंस, जहां तक मुझे लगता है जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन आने वाला है, गेमिंग एंड परफॉर्मेंस इस फोन में टू गुड। सो अगर मैं कहूँ जैसे इसके फीचर्स है, स्पेक्स है, अगर ये फोन 27-28 हज़ार के आसपास आ जाता है, इवन अगर ये अंडर 30,000 में आ जाता है, तो मैं बोलूंगा भाई ये जो फोन है बहुत सारे फोन को टफ कंपटीशन देने वाला है। एंड ओवरऑल आई लव द फोन, स्पेशली इसका डिस्प्ले। लाइक यार नीचे कमेंट करके जरूर जाना आपको ये फोन कैसा लगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, आपके ओपिनियन भी मैटर करते हैं भाई। एंड व्यू प्रोडक्ट पे जाके मैं पोको के कुछ फोन्स दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। बाकी मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।